नमस्कार मित्रो, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी कथा साहित्य में महिला रचनाकारों के योगदान पर एक श्रृंखला चलाई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे मनु भंडारी जी के उपन्यासों के मूल्यांकन के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में। आप पिछले 27 वर्षों से दिल्ली के शिवाजी कॉलेज में हिंदी पढ़ा रही हैं। उसके साथ ही साथ आपने 15 किताबें भी लिखी हैं और आप कई विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी आलेख लिखती रहती हैं। आइए हम डॉक्टर ढींगरा का स्वागत करें और इनसे जानें कि आज वो इस विषय में हमें क्या बताएंगी। मैं आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, हिंदी कथा साहित्य के विकास में हमने अब तक विभिन्न महिला रचनाकारों के योगदान के विषय में चर्चा की। अपने पिछले वक्तव्य में हमने मनु भंडारी की कहानियों पर विस्तृत विवेचन विश्लेषण किया था। आज हम उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों के विषय में एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। हिंदी पारिभाषिक कोश के निर्माता श्री सुख संपत राय भंडारी की सबसे छोटी पुत्री मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को भानपुरा में हुआ। प्रसिद्ध कहानीकार और आलोचक राजेंद्र यादव के साथ प्रेम विवाह करने के उपरांत मानो इनकी लेखनी में एक प्रखरता हमें मिलती है। अपने और मनु भंडारी के संबंध में राजेंद्र यादव का लिखना है कि वो मनु भंडारी के लेखन को किस प्रकार से आदर की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने लिखा है, मनु की जिन बातों की मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूँ, उनमें उनके लिखने का तरीका, उनकी सहजता और आत्मीयता प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी पहली कहानी की पुस्तक मैं हार गई को अपने पिता को समर्पित किया है। अपने समर्पण में मनु भंडारी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जिन्होंने मेरी किसी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया, उन पिता को। मनु भंडारी जी ने कहानी, नाटक, उपन्यास लिखे। इनकी कुछ रचनाओं के ऊपर फिल्म भी बनी है। इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथा भी लिखी है। इन्होंने महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी किया। मित्रों, साठोत्तरी हिंदी उपन्यासों में नारी का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है, उससे पहले के उपन्यासों में हमें वह नारी कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस समय की नारी में हमें आधुनिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नारी जीवन और उसकी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखे गए इस समय के उपन्यासों में नारी दमन, शोषण और उसको जो घर की चार दीवारी में कैद होकर जीवन जीने के लिए अभिशप्त रहना पड़ता था, पराधीनता और दासता का जीवन यापन करना पड़ता था, एक तरफ इस प्रकार की नारी का अंगन है, तो दूसरी ओर लेखिकाओं ने उभरती हुई नारी, कामकाजी नारी, शिक्षित नारी को भी अपने उपन्यासों में यथोचित स्थान दिया है। इस प्रकार से सदियों से चली आ रही पुरुष सत्तात्मक जो माहौल था, वातावरण था, व्यवस्था थी, उसको ये नारियां ना केवल एक चुनौती देती हैं अपितु अपने लिए एक खुला आकाश भी मांगने से पीछे नहीं हटती। नारी जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को मनु भंडारी ने अपने उपन्यासों में न केवल अंकित किया है अपितु अपनी दृष्टि से उन्होंने कहीं कहीं उसके समाधान भी उपस्थित किए हैं। जहां उन्होंने समाधान नहीं दिए, वहां उन्होंने उन समस्याओं का चित्रण करके पाठकों को एक आकाश दिया है कि वो जैसा चाहें उस समस्या का समाधान अपने अनुसार निकाल सकते हैं।
मनु जी ने सदियों से सोने में के पिंजरे में बंद नारी को उस कैद से बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने नारी को केवल देह मानकर चित्रण करने से इनकार किया और उनका मानना था कि यदि केवल देह के रूप में हम नारी को लेते हैं तो ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। उनका मानना है कि देह की मुक्ति अगर किसी के लिए सेक्स की मुक्ति का पर्याय हो तो मेरी असहमति है। कम से कम इस देश में तो यह संभव ही नहीं, क्योंकि इसके लिए एक संबंधहीन जीवन अनिवार्य है। और आज तक तो हमारे देश का स्त्री विमर्श ना पति परिवार निरपेक्ष है ना संतान निरपेक्ष। हाँ, इतनी छूट तो उसके लिए अनिवार्य है कि एक या पति के साथ संबंध गड़बड़ाने पर वह उसे छोड़कर दूसरे के साथ संबंध जोड़ ले। अपनी रचना प्रक्रिया के विषय में मनु भंडारी जी ने लिखा है कि एकदम से वो कोई रचना लिखने नहीं बैठती। जब कोई घटना, कोई विचार उन्हें आंदोलित करने लगता है तो वो उसके विषय में कुछ नोट्स अपनी डायरी में लिख लेती हैं और कालांतर में समय के प्रवाह के साथ साथ जब उन्हें उपयुक्त लगता है वो उसको रचना का आकार देती हैं। उन्हीं के शब्दों में, जब कभी कोई घटना, व्यक्ति क्लिक करता है, मैं कभी तुरंत उस पर नहीं लिख पाती। उस समय तो उसे मन के किसी कोने या घटना के किसी पृष्ठ पर उतार कर रख लेती हूँ और फिर बाद में मन में बसे व्यक्ति, घटना या समस्या को सार्थक विस्तार देने के लिए उनकी रचना का जन्म होता है। नारी अगर पृथ्वी है तो पुरुष बीज रूप है, नारी जल है तो पुरुष अग्नि, और इस प्रकार से जल और अग्नि के समन्वय से इस जीवन का की सृष्टि होती है। स्वतंत्रता के पश्चात नारी की परंपरागत स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ और इस तरह से दाम्पत्य संबंधों में भी हमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। नारी शिक्षित थी इसलिए उसने विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध मानने से इनकार कर दिया। उसने ये मानना शुरू किया कि यदि किसी संबंध में उसकी स्वीकृति नहीं है या उसे अपेक्षित आदर सम्मान नहीं मिल रहा तो वो उस संबंध को छोड़कर अन्यत्र या तो अपना जीवन आगे बढ़ा लेती है या किसी पुरुष के साथ दूसरा संबंध जोड़ने में भी हिचकिचाती नहीं है। मनु जी ने अपने उपन्यासों में विवाह के बदलते दृष्टिकोणों को हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभारने का प्रयास किया है। उनके अनुसार मेरे ख्याल से भारत के संदर्भ में विवाह संस्था के भविष्य के बारे में यदि तुम जानना चाहते हो तो इतना समझ लो कि सारे आधुनिकीकरण के बावजूद कुछ सदियों तक तो इसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके स्वरूप को ज़रूर बदलना होगा। इसके परंपरागत दक्यानुसी रूप में तो इसे परिवार में पुरुष के वर्चस्व का आधार बना रखा है जिसमें स्त्री के लिए विवाह संबंध नहीं मात्र बंधन बनकर रह गया है। मनु जी ने अपने उपन्यासों में इस बंधन को अपनी अस्वीकृति दी है। उनके अनुसार विवाह बंधन नहीं है, दो लोगों के आपस में मिलकर जीवन को सहरूप में चलाने का एक व्यवस्था है और जिसका आदर हम सभी को करना चाहिए। मनु जी के नारी पात्र, चाहे वो अमला हो, रंजना हो, शकुन हो या फिर मिनी ही क्यों ना हो, अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हमारे सामने रखती हैं। एक इंच मुस्कान की नारी पात्र अमला 17 वर्ष की अल्प आयु में ही पति किशोरी बाबू द्वारा परित्यक्त कर दी जाती है। उसे समझ में भी नहीं आता कि उसका परित्याग किस लिए किया गया है। उसका मित्र अमर
जब उससे पूछता है कि क्या वह अपने पति के घर में संतुष्ट और सुखी नहीं थी, तो वह इसका उत्तर देते हुए कहती है, एक साल में कोई क्या समझेगा कि कोई सुखी था या नहीं, फिर ना वह उम्र ही यह सब समझने लायक थी और ना वैसी बुद्धि ही थी। उसके मन में विवाह के लिए एक विरोध, एक प्रतिशोध उत्पन्न हो जाता है। जब उसके पिता उसको पुनः विवाह करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो अपनी अस्वीकृति दे देती है। वो कहती है, मैं किसी से विवाह करना नहीं चाहती, किसी से भी नहीं। मैं इतनी निर्बल और निरीह नहीं हूँ कि जीवन बिताने के लिए कोई सहारा चाहिए। वो अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहती है। अपनी नैसर्गिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपने पुरुष मित्रों का सहारा लेती है, किंतु अब उन मित्रों के साथ संबंध स्थापित करने के उपरांत भी वह अपने आप को अकेले से और अकेला अनुभव करने लगती है और अपने भविष्य के लिए निरंतर शंकित, भ्रमित और द्वंद्वग्रस्त रहती है। डॉक्टर ममता शुक्ला का इस विषय में अभिमत है, अकेलेपन से मुक्ति असंभव है और व्यक्ति जितना भी इस उलझन को सुलझाने का प्रयास करता है, उलझन और अधिक बढ़ती चली जाती है। सब जीवन के अकेलेपन को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार दूर करने की चेष्टा करते हैं। अमला भी अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती है। इतना ही नहीं, विवाह के प्रति जो उसके मन में विरोध होता है वो खुलकर सामने आता है। वो अपने मित्र को भी विवाह करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा और रंजना का जो मित्रवत संबंध है उसे ऐसे ही रहने दो। यदि उसे तुम विवाह में परिणत करोगे तो निश्चित रूप से अपने आप को अकेला ही अनुभव करोगे। उसकी उक्ति है, हो सकता है रंजना तुम्हारे जीवन की पूरक हो, तुम्हें उससे प्यार हो, फिर भी मैं यही कहूँगी, उसे विवाह मत करना। विवाह को तुम जैसा व्यक्ति भी आवश्यक समझे, इतना महत्व दे, यह बात गले नहीं उतरती। मैं सोचती हूँ विवाह केवल एक बंधन है, एक फंदा है जो प्यार का गला घोट देता है। विवाह कर लोगे तो मर जाओगे, वह मर जाएगी। अमला विवाह संस्था में अपना अविश्वास व्यक्त करती है और जब उसका एक मित्र उसके प्रेम के कारण उसे विवाह करने का प्रस्ताव रखता है तो वो उसे अस्वीकृत कर देती है। वह कहती है, तुमसे विवाह किए बिना पिछले इतने वर्षों से घनिष्ठ मित्रता का संबंध निभाती आ रही हूँ, चाहो तो जीवन भर निभा सकती हूँ। मित्रता के स्थायी और अस्थायी संबंध के लिए विवाह कितना कमज़ोर और निरर्थक आधार है। स्वेच्छा से अपना जीवन यापन करती हुई अमला कभी भी संतुष्ट या तृप्ति का अनुभव नहीं करती। उसके जीवन में हमेशा उसे एक अधूरापन, एक खालीपन, रिक्तता नज़र आती है। वह उन्मुक्त नदी की तरह बहना चाहती है, जीवन की पगडंडियों पर दौड़ना चाहती है। जीवन में फूलों के साथ साथ कांटों की चुभन को भी अनुभव करना चाहती है और वो चाहती है कि वो पोखर ना बने, एक जगह रुके नहीं, निरंतर आगे चलती रहे। और इस उपक्रम में वो अपने जीवन में आए हुए सभी पुरुषों, चाहे वो कैलाश हो, अमर हो या कोई और मित्र ही क्यों ना हो, सबको समान रूप से देखती है। उसके लिए सब समान हैं, कोई भी विशिष्ट नहीं है। एक पीड़ा वो अंदर ही अंदर अनुभव करती है, घुटन का अनुभव करती है और उससे मुक्त होना चाहती है। यही अभाव, यही भटकन उसके जीवन में आद्यंत बनी रहती है। लेखिका के अनुसार वह पत्नी भी बनी, प्रेमिका भी और मित्र भी, पर ना किसी के जीवन को सवार सकी, ना कोई उसके जीवन को सवार सका
और सारे संबंध एक असफल प्रयोग की तरह मन पर असह्य बोझ सा छोड़कर टूटते चले गए। एक इंच मुस्कान की दूसरी नायिका रंजना का पति अमर है। अमर और रंजना की मित्रता क्षणिक नहीं है, एक लंबे प्रेम और मित्रतापूर्ण संबंध के उपरांत दोनों विवाह करते हैं। किंतु विवाह के कुछ समय पश्चात ही रंजना को लगता है कि अमर का उससे मोह भंग हो रहा है। अमर की आदतें, अपने प्रति उसकी उपेक्षा दृष्टि और अमला के साथ निरंतर बढ़ते उसके संबंध रंजना को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं। उसका दम घुटने लगता है और वो मुक्ति चाहती है। वो इस बात का अनुभव करती है कि इन दोनों के बीच में अमला के कारण निरंतर एक टकराहट की स्थिति पैदा हो रही है। और एक दिन जब वह अमला को अमर के साथ बंद कमरे में देख लेती है तो बिखर पड़ती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपना आक्रोश किस प्रकार से व्यक्त करे। वह अमर से कहती है, अपने कौन से दुख को उसकी हथेली में सिर गाड़ कर तुम हल्का कर रहे थे। मैं क्या समझती नहीं, हम और तुम दोनों का दुख एक ही है और वह शायद मैं हूँ। दोनों के बीच की दीवार बाधा, मुझे तोड़ क्यों नहीं फेंकते अमर। वह सारे संबंधों को तोड़कर अमर से अलग होने का फैसला कर लेती है। अमर को भी पत्नी की ज़रूरत नहीं होती, उसे एक परिचारिका चाहिए थी और इसलिए अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए वह साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाता है। रंजना को तर्क कुतर्क देकर अपनी बात को रखने का प्रयास करता है, किंतु अमला के कारण रंजना और अमर के बीच इतनी दूरियां आ चुकी होती हैं, उनके बीच में अहम की टकराहट होने लगती है। एक अजनबीपन इतना ज़्यादा फैल चुका था कि रंजना उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और उससे अलग होने का फैसला कर लेती है। अमर से अलग होकर यद्यपि रंजना दूसरा विवाह कर लेती है, किंतु आद्यंत वो अमर को भूल नहीं पाती, क्योंकि किसी को भी जो आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, भूलना इतना आसान नहीं होता। मित्रों, नारी मातृत्व में अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। बच्चे को पाकर वो अपने जीवन की कमियों को भूल जाती है और अपने जीवन की सार्थकता भी वह माँ बनने के उपरांत ही मानती है। रंजना पति अमर के दबाव के कारण अपने अजन्मे बच्चे को जन्म से पहले ही मार देती है और एक प्रकार से विवशता और आत्मग्लानी के जीवन को जीने के लिए विवश हो जाती है। अमर उसे समझाता है, मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर से ही कह दिया जाए कि अभी हम इस सब के लिए तैयार नहीं है। वह अपने आप ही कोई रास्ता सुझा देगी, बस कुछ खर्च की व्यवस्था करनी होगी, वह मैं कर लूँगा। अमर, जिसके लिए रंजना अपने मातृत्व का गला घोंट देती है, जब वो ही उसे आदर सम्मान नहीं देता, उसकी उपेक्षा करता है, उसके प्रेम में हिस्सेदारी करने लगता है, तब रंजना अपने आप को अकेला बेबस समझती है। और यही वो क्षण होता है जब वो अमर से अलग होने का फैसला करती है। नारी प्रेम की मूर्ति है और मनु जी ने प्रेम को जीवन की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए उसके सात्विक और उदात्त रूप को अपनी स्वीकृति दी है। उपन्यास में रंजना एक समर्पित प्रेमिका है जो अमर से पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ प्रेम करती है, उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। इसके विपरीत अमला में प्रेम का ये उदात्त रूप हमें दिखाई नहीं देता। वो प्रेम करती है, अपनी शर्तों पे करती है, उसे किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं होता, किंतु अमला की तुलना में
रंजना अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह कहती है, तुम जानते हो कि मैं स्वयं कमाती हूँ, समय आने पर और अधिक परिश्रम करने की क्षमता भी मुझ में है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहूँगी, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक ऐसा घर पर वातावरण देना चाहती हूँ जहाँ तुम सबसे निश्चिंत होकर लिख सको। मुझे तो बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना वैभव। तुम लिखोगे, चारों ओर तुम्हारा यश फैलेगा, तुम प्रसन्न होगे और इस सब में ही मैं अपने परिश्रम की सार्थकता खोज लूँगी। अपने आप को पति के लिए न्योछावर करने वाली रंजना जब बदले में प्रेमहीन जीवन देखती है तो वो घुटन से भर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अपने से ज़्यादा अमर से प्रेम करने का उसे यह क्या पुरस्कार मिला है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र नारी प्रेम के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह से अस्वीकार कर देती है और अपने लिए प्रेम की नई व्याख्या रचने का प्रयास करती है। वो नौकरी करना चाहती है केवल इसलिए नहीं कि वो अपनी योग्यता को सिद्ध कर सके, अपितु वो अपने पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सच्चे अर्थों में सहचरी भी बनना चाहती है। वो जानती है कि केवल अकेला पुरुष ही जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रहेगा, इसलिए वो इस यज्ञ में अपनी दृष्टि से अपने अनुसार आहुति देने का प्रयास करती है। इस नई शिक्षित नारी को पुरुष का अहंकार सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसे सदियों से नारी के ऊपर अधिकार या शासन करने का अभ्यास होता है। मनु जी ने कामकाजी स्त्रियों की स्थिति को बखूबी समझा है। उन्होंने लिखा, बेटी और घर जिसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, के साथ नौकरी की जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनिवार्य थी, यही नौकरी पेशा नारी की स्थिति है। रंजना का काम करना उसके पति को स्वीकार्य तो होता है क्योंकि उससे घर में पैसा आ रहा है, उनका जीवन संपन्न हो रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है, किंतु इसके साथ ही वो ये भी चाहता है कि बाहर का काम करने के उपरांत थक हार कर आई रंजना घर को भी अपना पूरा समय दे। वह कहता है, तुम काम करोगे और मैं बैठा बैठा खाऊंगा, इसे मेरा अहम कैसे स्वीकार करेगा। अर्थात अहंकार के कारण वो ये चाहता है कि चाहे वो कमाकर क्यों ना लाए, वो उसका शासन ज़रूर स्वीकार करे। अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने पर भी रंजना पति का साथ ना मिलने के कारण आहत होती है। लेखिका ने अमला, रंजना आदि नायिकाओं के माध्यम से जड़ परंपराओं को, बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया है और उस नारी को चित्रण करने की कोशिश की है जो उन्मुक्त आकाश के नीचे सांस लेने की कोशिश करती है। यह नारी जीवन के अनेक स्तरों पर संघर्ष करती हुई हमें दिखाई देती है किंतु कहीं पर भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करती। वो परिस्थितियों से लड़ती है, टूटती नहीं है, घबराती नहीं है और जीवन संग्राम में निरंतर आगे बढ़ती रहती है। मनु जी का जीवन भी अपनी विचारधारा की एक प्रकार से हमें व्याख्या करता हुआ दिखाई देता है। राजेंद्र यादव जी से प्रेम विवाह करने के बाद 35 वर्षों तक उनके साथ उन्होंने दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों को उठाया, किंतु बाद में राजेंद्र यादव जी के अहंकार के कारण, या ये समझिए कि दोनों का एक ही साहित्यिक परिवेश होने के कारण उनके अंदर उपजे अहंकार के टकराव ने दोनों को अलग अलग रहने के लिए विवश कर दिया और मनु जी
उनसे अलग अपना जीवन यापन करने लगे। महानगरों में आवास की समस्या बहुत विकट समस्या के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। उपन्यास की अमला क्योंकि साधन संपन्न है, बड़े घर में रहने की अभ्यस्त है, इसलिए वो महानगरीय आवासीय समस्या को समझ नहीं पाती। और जब अमर उससे कहता है कि बड़े शहरों में स्थान का इतना अभाव रहता है कि लोग निकटतम लोगों को भी मेहमानों की तरह लेते हैं, तो उसे यह बात समझ में नहीं आती। उपन्यास में उच्च और विलासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कैलाश करता है और उसे अमला का एक साधारण लेखक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बुरा लगता है और वह कहता है, साधारण से आदमी को अपना आत्मीय बना लो, यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। इसके अतिरिक्त आधुनिकता, स्वार्थ, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, पारंपरिक मूल्यों के विघटन आदि को भी लेखिका ने इस उपन्यास में बहुत यथार्थता के साथ, सटीकता के साथ अपनी अभिव्यक्ति दी है। यहाँ के जीवन में औपचारिकता, खोखलापन, प्रदर्शन हमें अधिक दिखाई देता है। कल्चर के नाम पर महानगरों में जो कुछ ना हो जाए वो थोड़ा है, और प्राचीन मान्यताएं भी निरंतर बदल रही हैं और उन मान्यताओं के साथ किस प्रकार से मनुष्य या मनुष्य की मनुष्यता बदल रही है, इस ओर भी लेखिका ने हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। अमला के माध्यम से उन्होंने पुरुष की मानसिकता को बहुत सुंदर ढंग से रेखांकित किया है। आधुनिक समाज अर्थ प्रधान समाज है, यहाँ रिश्ते अर्थ की दृष्टि से बनते और बिगड़ते हैं। इतना ही नहीं, पति पत्नी जैसे निकट से निकटतर के जो ये संबंध हैं वो भी अर्थ पर ही टिके हुए हैं। यदि ऐसा ना होता तो अमर सुविधा संपन्न प्रेमिका अमला के सामने अपने आप को बौना ना समझता और ना ही अपनी पत्नी जो शिक्षिता है, कामकाजी है, उस रंजना के सामने अपने आप को निरंतर हीन समझता। इतना ही नहीं, अर्थ के कारण और अपनी उच्च महत्वाकांक्षा के कारण अमर की सोचने समझने की जो मानसिकता है उसमें भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। पैसे के कारण वो अपने बच्चे को भी जन्म देना नहीं चाहता और निरंतर अपनी जिम्मेदारियों से हमें भागता हुआ दिखाई देता है। अमला के माध्यम से लेखिका ने उपन्यास में वृद्धों पर होने वाले अत्याचारों को भी हमारे सामने उपस्थित किया है। अमला के पिता ने अपने जीवन में इतना पैसा कमाया था कि उनकी सात पुश्तें भी चाहें तो आसानी से खा कमा सकती थीं, किंतु वृद्धावस्था में उनके बेटे और बहू सारा अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्हें केवल इसलिए जिंदा रखा जाता है जिससे समय आने पर कागजों पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं। उनकी मृत्यु पर अमला कहती है, यूं तो वे बूढ़े हो गए थे पर वे अपनी मौत नहीं मरे। ऐसी स्थितियां हमें केवल एक इंच मुस्कान में ही दिखाई नहीं देती, अपितु वो हमें अपने आसपास कई घरों में भी दिखाई देती हैं। मनु भंडारी का दूसरा उपन्यास महाभोज हमें राजनीतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत कराता है। हमें बताता है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय आपातकालीन स्थिति लागू हुई थी और उस समय किस प्रकार से जनता पर अत्याचार किए गए थे। मित्रों, अपने अगले वक्तव्य में हम महाभोज पर अधिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। Thank you.
नमस्कार मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज पर। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की राजनीतिक स्थिति में अनेक स्तरों पर उठापटक हमें दिखाई देती है। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए। उस समय सरकार पर भ्रष्टाचार और शोषण के भी आरोप लगातार लगते रहे। लेखिका का उद्देश्य इस उपन्यास को रचने में केवल उस समय की राजनीतिक स्थिति को ही जनता के समक्ष लाना नहीं था, अपितु हरिजन विसु की मौत किस प्रकार से राजनेताओं के लिए महाभोज बन जाती है, इसका अंकन भी इस उपन्यास में किया गया है। राजनीतिक हथकंडों का सहारा लेकर किस प्रकार से भोली भाली मासूम जनता को गुमराह किया जाता है, इसका सटीक यथार्थ अंकन हमें इस उपन्यास में दिखाई देता है। महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी हो चुका है। उपन्यास का नायक विसु हरिजन बस्ती में हुई आगजनी के प्रमाणों को अपने पास सुरक्षित रखता है और वो दिल्ली आकर आला अफसरों को वो प्रमाण देना चाहता है जिस पे से उस पर यथोचित कार्रवाई की जा सके। किंतु जब तक वो न्याय दिलाता उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी मौत को विरोधी दल हथियार बनाकर भुनाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री उसकी मौत से जनता का ध्यान हटाने का हर प्रकार से प्रयास करते नजर आते हैं। वे जनता को विभिन्न प्रकार की योजनाएं देने का चारा डालते हैं तो उधर दूसरी तरफ विरोधी नेता इसे जातिगत रूप देकर दंगे भड़काना चाहते हैं। अफसरों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं रहता, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह उनकी पदोन्नति हो जाए और मीडिया उसके लिए तो वही दिखाना सच बन जाता है जिससे उसे फायदा हो। वो नेताओं के आगे पीछे घूमना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इतना ही नहीं, कागज़ का परमिट बढ़वाने के लिए भी पत्रकारिता सच दिखाना अपना कर्तव्य नहीं समझती। बीसू की मौत के बाद उसका मित्र बिंदा उसके इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में अपनी आहुति देता है। उसकी भी राजनीति और अपराध के आरोप में उसको जेल हो जाती है। उसके बाद इस अलग को जगाने की जिम्मेदारी ईमानदार पुलिस अफसर सक्सेना ले लेता है, किंतु उसका योगदान भी अंत में सफल नहीं होता क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। यह उपन्यास इस ओर भी इशारा करता है कि जनतंत्र में साधारण व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। राजनीति ने जनता को इस तरह उलझा कर रख दिया है कि व्यक्ति अपने आप को एक मकड़ जाल में उलझा हुआ पाता है जिससे लाख उपक्रम करने के उपरांत भी वह निकल नहीं पाता। दास साहब बड़ी कुशलता से सबको अपनी उंगलियों पर नचाते रहते हैं। उनके नेतृत्व में खोटे सिक्के जैसे लोग भी अपना काम करते रहते हैं और जनता की विचार पर या जनता के उपक्रम पर वे अपनी रोटियां सेकते हैं। उपन्यास के पात्र हमें कहीं पर भी काल्पनिक नहीं लगते। बिंदा विसु हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। जमुना बहन मुख्यमंत्री की पत्नी है, किंतु वे पति को परमेश्वर मानती हैं। उनके लिए पति का कोई भी कार्य अनुचित नहीं है। दास साहब जबकि उनसे अपनी रणनीतियों के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते, किंतु वे अपना परम कर्तव्य मानते हुए कहीं ना कहीं से दास साहब की खबर रख ही लेती हैं।
उपन्यास में हरिजन समस्या बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त पूंजीपति समस्या, मजदूरों की समस्या, शोषण, पीड़ा को भी मनु जी ने अभिव्यक्त किया है। हरिजन द्वारा जब भी उच्च वर्ग के प्रति आक्रोश नजर आता है, अन्याय या अत्याचारों का विरोध नजर आता है, उसे दबा दिया जाता है। जोरावर सिंह के अनुसार, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने से झुकाकर रहते थे, झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी और यह ससुरे सीना तान कर आँख में आँख डालकर बात करते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी समस्या को बताने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। त्रिलोचन सिंह पार्टी के अवैध कार्यों, दा साहब की दोगली नीतियों, जनता के शोषण आदि को सहन नहीं कर पाते और वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल को गिराया जाए। वो इसकी योजना भी बनाते हैं, किंतु भ्रष्ट नेताओं का साथ उन्हें नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप उन्हें खुद ही मंत्री पद से हटा दिया जाता है। बिंदा और पुलिस अफसर सिन्हा भी अकेले पड़ जाते हैं और अपने इस अकेलेपन की छटपटाहट से निरंतर जूझते हुए हमें दिखाई देते हैं। भ्रष्ट नेताओं की काली करतूतों को बेनकाब करती हुई बिंदा अंत में हार जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस प्रकार से इस अलग को जलाए रखे। उन्हें ना केवल बिरादरी से हटा दिया जाता है, अभी तो इतना विवश कर दिया जाता है कि वो खुद को पराजित अनुभव करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी यह पराजय ईमानदारी, सच्चाई और पारंपरिक मूल्यों की हार है। आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति हताश, निराश, मानसिक रूप से परेशान होकर भाग्यवादी और अंधविश्वासी हो जाता है और निरंतर ज्योतिषों और पंडितों के चक्कर काटने लगता है। लेखिका ने इस ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। उपन्यास में भूतपूर्व मुख्यमंत्री सकुर बाबू मंत्री पद पाने के लिए ज्योतिषियों और तांत्रिकों का सहारा लेते हैं और विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी नगों को धारण करते रहते हैं। अंगूठियां और गले बाजुओं में नग और ताबीज बांधकर उन्हें ऐसा लगता है मानो वे चुनावों को जीत जाएंगे। वास्तविकता ये है कि जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, वही स्थितियों से संघर्ष नहीं करते और कायर बनकर ज्योतिषों के पास घूमते रहते हैं। मित्रों, पैसा आज के मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं, व्यवस्था का एक अंग भी है। समाज में या परिवार में भी उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसके पास पैसा है, अधिकार है। अर्थाभाव के कारण निरंतर नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वो परास्त हो रहे हैं। महाभोज उपन्यास में इस बात का भी अंकन किया गया है। लेखिका अपने पात्रों के माध्यम से कहती हैं, तुम्हारी तरह शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और जेबें भी नहीं भरी हुई हैं। विचारों की जो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो, उसे जहां भी दो पैसे दिखेंगे उधर लगेगा तो सही। उपन्यास राजनीति का सच्चा आईना हमारे सामने प्रस्तुत करती है। राजनेताओं की दोगली नीतियों और किस प्रकार से वो भोली भाली जनता को अपना भोजन बना लेते हैं, इसका अंकन लेखिका ने किया है। सरोहा गांव में झोपड़ियां जला दी जाती हैं, आदमी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन पुलिस और नेता वहां नहीं आते। चुनाव से मात्र 1.5 महीने पहले बिसु की मौत राजनेताओं के लिए एक मोहरा बन जाती है और वो आकर अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। दासा बिसु के घर आकर अफसोस करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। बड़े बूढ़ों को लगता है मानो शबरी और निषाद की कथा उन्हें याद आ गई है
और वो दास साहब का आदर सम्मान करने लगते हैं। विरोधी पार्टी के सुकुर बाबू जनता को भड़काकर अपनी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। वे कहते हैं, खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बीसू की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल बीसू की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है। इसलिए मैं लड़ूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। और वो इतना रोते हैं मानो उनके खुद के बेटे की हत्या कर दी गई हो। दास साहब प्रचार के लिए मशाल पत्रिका के कागज़ का परमिट बढ़ा देते हैं और वहाँ के संस्थापक को अपनी उंगलियों पर नाचने के लिए मजबूर कर देते हैं। चुनाव के समय गरीबों के लिए घरेलू योजनाओं की घोषणाएं करते हैं, किंतु उन घोषणाओं को कभी भी लागू नहीं किया जाता। जोरावर जैसे जालिम हत्यारों को पढ़ाने का ढोंग करते हैं, उसे अपना अंगरक्षक बनाते हैं। इस संदर्भ में काशी कहता भी है, देखो जरा बावली बूच की सबसे बड़ी ताकत 35% सॉलिड वोट, एक नहीं टूटता इनमें से। इन्हीं के चक्कर में तो इंसानियत को सूली पर चढ़ा रखा है उस गीता के भक्त और बापू की औलाद ने। अपने भाषण में जनता की सेवा करना अपना परम धर्म मानने वाले ये नेता वास्तव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हमें दिखाई देते हैं। दास साहब न केवल अंगरक्षक बनाते हैं जोरावर को, अपितु उससे सारे उचित अनुचित कार्य भी कराते हैं। बिंदा जैसे निरअपराधी व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। ईमानदार पुलिस अफसर सक्सेना को सस्पेंड कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल को बचाने के लिए त्रिलोचन जैसे नेता जो जनता की भलाई चाहते हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, और जो नेता अपना असंतोष जाहिर करते हैं उन्हें रुपए देकर खरीद लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभोज उपन्यास में लेखिका ने तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति थी, राजनेताओं में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था और किस प्रकार से जनता उनका महाभोज बन रही थी, इसका बहुत सुंदर तरीके से अंकन किया है। लेखिका का एक दूसरा उपन्यास स्वामी है, जिसमें परिवार में आत्मीय संबंधों के मध्य व्यक्ति किस प्रकार से निरंतर अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो एक द्वंद में जीने लगता है, इसका बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अंकन किया है। मिनी उपन्यास की नायिका है जो नरेंद्र से प्रेम करती है, किंतु परिस्थितिवश उसका विवाह घनश्याम से कर दिया जाता है। शुरू शुरू में वो घनश्याम से अपना आत्मीय संबंध स्थापित नहीं कर पाती, किंतु जब उसे लगता है कि परिवार में सौतेला पुत्र होने के कारण उसके पति को यथोचित आदर सम्मान नहीं मिल रहा, तब उसका आक्रोश जागृत हो जाता है और वो अपने पति के साथ खड़ी हो जाती है। वस्तुतः शरदचंद की रचना स्वामी उस समय की परंपराओं और रूढ़ियों के कारण एक आत्मधिक्कार की कहानी बनकर हमारे सामने आती है, किंतु जब बासु चटर्जी इस पर कहानी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो मनु भंडारी के पास आते हैं और पटकथा में कुछ परिवर्तन करने का आग्रह करते हैं। मनु जी को स्वामी कहानी की कथा आकर्षित करती है, वो उस पर लिखना भी चाहती हैं, किंतु उन्हें मिनी का आत्मधिक्कार करना समझ नहीं आता और वो मिनी को एक नए रूप में हमारे सामने उपस्थित करती हैं। मूल कथा में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ शरदचंद की स्वामी को वो दोबारा से लिखने की कोशिश करती हैं। लेखिका के अनुसार, मैं अपनी सौदामिनी में आत्मभत्सना और धिक्कार का वह भाव भर ही नहीं सकती थी जिसमें शरद की सौदामिनी आद्यंत सराबोर रहती है।
ना तो पूर्व प्रेमी नरेंद्र का सौदामिनी को कलकत्ते जाकर एक कमरे में बंद कर देना मेरे गले उतर रहा था, ना प्रेमी को भाई बना लेने वाली हास्यास्पद स्थिति। और इस प्रकार से स्वामी में कतिपय परिवर्तन करके उसे नया रूप दे दिया जाता है। मनु भंडारी इस कहानी के अंतिम हिस्से में कुछ परिवर्तन करती हैं, क्योंकि उनका मूल मत था कि पारिवारिक कलह और निरंतर तिरस्कार के कारण मिनी का यह निर्णय लेना अपने लिए वो पति को किस प्रकार से छोड़ देती है, नरेंद्र के साथ चली जाती है, पर स्टेशन पे पहुंचते ही उसको लगता है कि उसका ये निर्णय जो है वो गलत है। और वो कहती भी है कि मेरे पति राम नहीं हैं और वो उससे बढ़कर हैं, इसलिए वो मेरी गलती को क्षमा कर देंगे और मुझे दोबारा से अंगीकार कर लेंगे। इस प्रकार से वो अपने आप को संबंधों के मकरजाल से मुक्त करने का प्रयास करती है, और यही मनु जी की नारी की विशेषता हमें दिखाई देती है। मनु जी ने मूल कथा की मुक्ता दासी को भी अपनी कथा में स्थान नहीं दिया है, जो प्रेमी नरेंद्र को मिनी की ससुराल की एक एक घटना का विस्तार पूर्वक उसे ब्यौरा देती है, जिससे नरेंद्र आकर उसकी ससुराल में अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए आता है और मिनी को पुराने प्रेम का वास्ता देकर उसकी सोई हुई जो भावनाएं हैं उसको जागृत करता है। इसी प्रकार से मूल कथा में भाई और उसकी पत्नी का भी मात्र नामो उल्लेख मिलता है, किंतु यहाँ पर लेखिका ने उन्हें विस्तार देने की कोशिश की है। मिनी कभी भी अपने पति को परमेश्वर का दर्जा नहीं देती, वो उससे समकक्षता की बात करती है, सहचरी बनना चाहती है और उसके साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को विकसित करना चाहती है। मिनी शिक्षित है, तर्क करना जानती है और विपरीत परिस्थितियों में टूटती नहीं है। वह पति के चरणों में झुकती नहीं, अपितु सच्चे अर्थों में पति की के साथ सहचरी बनकर अपना सहयोग देना चाहती है। परिवार में मिनी की सास का एकाधिकार है, और किस प्रकार से ये एकाधिकार बाकी सदस्यों के बीच में एक घुटन पैदा करता है, इसका भी हमें चित्रण यहाँ पे मिलता है। मिनी की सास परिवार में अपना इस प्रकार का एक रुतबा पैदा करती हैं कि कोई भी उनसे पीछे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, किसको कब क्या कितना खाना है इसका निर्णय भी सास ही लेती है। इतना ही नहीं, घनश्याम अपने मन से अपने लिए एक कुर्ता भी नहीं ले सकता। जब वो अपनी पत्नी के लिए प्रेम पूर्वक एक साड़ी लेकर आता है तो उसे अपनी माँ के प्रवचन सुनने पड़ते हैं। रोज़ रोज़ की चिक चिक, रोज़ रोज़ की उपेक्षा और तिरस्कार मिनी के मन में विरोध उत्पन्न कर देती है। सास द्वारा गहने मांगने पर वो स्पष्ट रूप से देने से इनकार कर देती है और कहती है, माँ तुम तो सारी गृहस्थी संभालना चाहती हो, कम से कम दो चार चीज़ें तो संभालना सीखने दो। पति की उपेक्षा और तिरस्कार अन्याय उसे सहन नहीं होता। परिवार में अपने देवर अखिल के बढ़ते हुए वर्चस्व को भी वो अस्वीकार कर देती है और चिंतित होकर कहती है, यह किसी दफ्तर में 100 रुपये की क्लर्की नहीं करते, इसीलिए क्या नौकर चाकरों से भी गए पीते हैं। इतना ही नहीं, अपने पति को रात की बासी सब्जी खाता देखकर उसका आक्रोश अपने चरम पर पहुंच जाता है और वह कहती है, यहाँ कदम कदम पर जिस तरह का अन्याय होता है उसमें चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं, ना हो तो तुम मुझे मेरी माँ के यहाँ भेज दो। वो ये भी जानती है कि उसकी सास उसे कम दहेज लाने के कारण पसंद नहीं करती और इसीलिए अवसर मिलने पर जब तब उसे तिरस्कृत करती रहती है। वो इस तिरस्कार को सहने के लिए तत्पर नहीं रहती। मिनी का मानना है, अब वह केवल खिलौना नहीं, केवल रमणी भी नहीं, मात्र संगनी भी नहीं,
अधिकाधिक रूप से व्यक्ति होती जा रही थी और व्यक्ति होने के कारण वो केवल अपने कर्तव्यों के प्रति ही नहीं अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत थी। पति की वैराग्य वृत्ति भी मिनी को परिवार से अलग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सारा दिन काम करने के उपरांत रात को चैतन्य माँ प्रभु का ध्यान और फिर अपने अपने कोने में सिमट कर सो जाना मिनी को अपने प्रति एक उपेक्षा ही नहीं दिखती, उसे अपना अपमान भी लगता है। और वो जब उसे मौका मिलता है वो अपने प्रेमी के साथ भागने का निर्णय कर लेती है। वो बहुत अधिक विद्रोही स्वभाव की है। विवाह से पहले भी वो निसंकोच रूप से नरेंद्र से पूछती है कि अगर उसकी भाभी किसी से प्रेम करने लगी तो उसे कैसा लगेगा। नरेंद्र उत्तर नहीं दे पाता तो वह खुलकर कहती है, चौके क्यों, क्या आप भी यही मानते हैं कि शादी के बाद औरत का प्रेम करने का अधिकार समाप्त हो जाता है? यह सौभाग्य केवल पुरुषों को ही प्राप्त है। कहने का अर्थ यह है कि मिनी हर उस चीज़ का विरोध करती है जिसे उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। वो मानती है कि इस जीवन में पुरुष और स्त्री को समान अधिकार मिलने चाहिए, प्रेम पर प्यार पर दोनों का समान अधिकार होना चाहिए। वे खुलकर अपनी सास से निसंकोच रूप में इस बात को स्वीकार करती है कि विवाह से पूर्व वो नरेंद्र से प्रेम करती थी और अब भी उसे भूल नहीं पाई है। हाँ हाँ, मैं नवीन से प्रेम करती हूँ, वह मुझे लेने आया है और मैं अब जा रही हूँ। संभालो अपना यह घर, 3 महीने में क्या मिला है मुझे, रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े, रोज़ रोज़ का अपमान, मैं उन सती सावित्री में से नहीं हूँ। सौदामिनी की नंद टुकी के माध्यम से लेखिका ने इस बात की ओर इशारा किया है कि विवाह के समय स्त्री का सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ खूबसूरत होना भी अनिवार्य है। चाहे लड़के में 100 अवगुण क्यों ना हो, किंतु वह अपने लिए एक ब्रोच की तरह सुंदर स्त्री की कामना करता है जो पार्टियों में उसकी शोभा बढ़ाए और घर में कमाकर भी लेकर आए। उसके गुण और शिक्षा अनदेखे रह जाते हैं। टुकी मोटी है और केवल इसी एक अवगुण के कारण लड़के वाले उसे रिजेक्ट करके नकार कर चले जाते हैं। टुकी निरंतर अवसाद में जीने लगती है। मिनी की सास को अपनी 15 वर्षीय बिटिया के ये अकेलापन, ये घुटन बेचैन कर देती है और वह गांव में नीम तले बाबा के चमत्कारों के बारे में सुनकर उनके पास दौड़ी चली जाती है। मानो बाबा की कृपा से मिनी को एक अच्छा पति मिलने की संभावना हो। बाबा मंगल है तो दंगल कहकर उससे रुपए ही नहीं ऐंठता, अपितु उसे कहता है कि 7 दिन तक जप करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मंत्र बनाकर दूंगा, वो मंत्र अपनी बेटी की बाजू में बांध देना और देखना किस प्रकार से उसका संपन्न परिवार में विवाह होता है। इस तरह से मनु जी ने ना केवल समाज में व्याप्त ये एक समस्या को हमारे सामने उभारा है, अपितु हम लोग किस प्रकार से अंधविश्वासी हो जाते हैं, किस प्रकार से उन बाबाओं के चक्रों में पड़ जाते हैं जिन्हें अपने ही भविष्य के बारे में नहीं पता होता, इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मनु जी ने इस उपन्यास में ये भी बताया है कि बहुएं अगर अपनी ससुराल में उपेक्षित होती हैं तो उनका हृदय छन्नी हो जाता है। दिन प्रति दिन के व्यंग्यवाण उन्हें वहाँ से हटने के लिए या निरंतर घुटते हुए अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। नई बहू सौदामिनी विवाह के कुछ समय पश्चात ही इस बात को भाप लेती है कि घर में सास का एकाधिकार है,
उनकी इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिलता और वहाँ पर यदि उसे जीवित रहना है तो मौन रहकर अपनी सास के आधिपत्य को स्वीकार करना होगा। वह कहती है, पल्ले में चाबियों का बड़ा सा गुच्छा बांधे अपनी उंगलियों के इशारे पर सारे घर को नचाने वाली सास ही असली कर्ता है। गृह स्वामिनी उनकी इच्छा और आदेश के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मिनी का पति घर के सभी सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उनकी उपेक्षा को सहन करता है, सबके लिए सुविधाएं जुटाता है, किंतु सौतेला होने के कारण निरंतर उनकी उपेक्षा और तिरस्कार का भाजन भी बनता है। संयुक्त परिवार में किस प्रकार से शीत युद्ध निरंतर होते रहते हैं और उसमें पिसता घुटता व्यक्ति अकेला होता जाता है, इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। मिनी इन सब चीज़ों का विरोध करती है, परिणाम स्वरूप घर में निरंतर महाभारत मचा रहता है। मिनी की सास अंधविश्वासी भी है, ना केवल वो अपनी बेटी टुकी के लिए जोशियों के पास जाती है। एक दिन मिनी जब गलती से चूल्हे को छू लेती है तो भी वो घर में कोहराम मचा देती हैं। भर भर कर बाल्टियाँ लाई जाती हैं, चूल्हा धोया पोछा जाता है और तब घर में खाना बनता है। इन सब घटनाओं के कारण मिनी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अपना आत्मीय संबंध जोड़ नहीं पाती। ऐसे दमघोटू माहौल में सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और निरंतर टूटते हुए बिखरते हुए वो इससे मुक्ति की तलाश करना शुरू कर देती है। सारे मूल्यों को, सारी परंपराओं को तोड़कर मुक्त होना चाहती है। मिनी की सास के माध्यम से हमें छुआछूत, कर्मकांड, आडंबरों की बात पता चलती है। मिनी के कारण नई शिक्षित नारी के बारे में हमें सोचने के लिए लेखिका उत्सुक करती है और इस प्रकार से स्वामी उपन्यास हमारे सामने कुछ समस्याओं को लेकर उपस्थित होता है। ना केवल वो समस्याएं हमारे सामने चित्रित की गई हैं, अपितु उनका समाधान भी हमें दिया गया है। मनु भंडारी का कलवा उपन्यास राजा द्वारा प्रजा के किए जाने वाले शोषण की समस्याओं को हमारे सामने उद्घाटित करता है। यह 50 पृष्ठों का एक बहुत छोटा सा उपन्यास है, जिसे समय मिले तो आप पढ़िएगा। मनु भंडारी का एक और बहुत चर्चित उपन्यास है आपका बंटी, जो परिवार में पति पत्नी के मध्य अहंकार के टकराव के कारण बच्चा किस प्रकार से उपेक्षित, अकेला और अपने आप को निरंतर एक कोने में पड़े हुए सामान की तरह देखने लगता है, अपने आप को एक फालतू सामान समझने लगता है, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अगली बार हम आपका बंटी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर ढींगरा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे शो में आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, हमें आगे दीजिए धन्यवाद। धन्यवाद।